टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइजेज ऑफ मटेरियल्स एंड थिंग्स टेक द करेक्ट चॉइस दिस ऑब्जेक्ट इज जनरली मेड ऑफ प्लास्टिक तो थ्री ऑप्शन दिया हुआ है तो लंच बॉक्स प्लास्टिक का बना होता है तो इसको टिक करेंगे सेकंड दिस ऑब्जेक्ट इज नॉट मेड ऑफ़ ग्लास तो थ्री ऑप्शन दिया हुआ है तो फूटबॉल ग्लास का नहीं बना होता है इसको टिक करेंगे थ्री इरेजर आप मेड ऑफ रबर का बना होता है तो रबर को ठीक करेंगे फोर्थ लाइट कैन पास थ्रू ग्लास से पास कर सकता है तो ग्लास को ठीक करेंगे फिल इन ब्लैंक्स ज्वेलरी इज मेड ऑफ एक्सपेंसिव यहाँ पर मेटल लिखेंगे इज ऑप्टेन फ्रॉम ट्री तो वुड ट्री से पाया जाता है तो यहाँ पर लिखेंगे थ्री वी कैन स्ट्रेच बैंड तो यहाँ पर रबर लिखेंगे रबर बैंड हो जाएगा वी कैन स्ट्रेच ए रबर बैंड सी राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड ए फॉर फॉल्स वन वी शुड इंक्रीज द यूज ऑफ वुडन ऑब्जेक्ट यह गलत है तो इसको एफ लिखेंगे सेकेंड ग्लास ऑब्जेक्ट कैन ब्रेक इजिली यह सही है तो टी लिखेंगे चेयर्स मेड और प्लास्टिक लाइट एंड स्ट्रॉन्ग ये सही है तो टी लिखेंगे मैच द फॉलोइंग वुड को डेस्क से मैच करेंगे रबर को कार का टायर से मैच करेंगे मेटल को क्वाइन से मैच करेंगे प्लास्टिक को वाटर बॉटल से मैच करेंगे ग्लास को विंडो पेन से मैच करेंगे थ्री ई आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ने मैनी टू मोस्ट कॉमन मटेरियल्स यूज फॉर मेकिंग थिंग्स आंसर plastic and wood are two most common materials used for making things second how do we get wood answer trees are chopped to get wood why should glass object be handled carefully answer glass break very easily so we should হেণ্ডেল কেয়াৰফুলি